दोस्तों, अगर आप चिड़ियाघर पे गए हो और टिकट बुक करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को देखो आखिर तक वीडियो, और आप समझ पाओगे किस तरीके से टिकट बुक करनी है। और अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके भी नहीं गए हो तब भी आप बुक कर पाओगे और अंदर जा पाओगे चिड़ियाघर में। कैसे करनी है सब कुछ बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप। तो सबसे पहले एक लिंक होता है इनकी वेबसाइट का, जो कि होती है nzpnewdelhi.gov.in करके होती है, ठीक है। तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी की एक वो दिखाई देगी फ़ोटो, उसी के ऊपर वहाँ पे थ्री लाइंस दिखाई देंगी। थ्री लाइंस पे क्लिक करोगे आप लोगों को कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये नीचे स्क्रॉल डाउन करते चले जाओगे तो आप लोगों को लास्ट में जाके एक ऑप्शन दिखाई देगा बाय टिकट करके। सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देने के बाद में नीचे कैप्चर आएगा, उसको फिल करके नीचे जो भी ऊपर दिखाई दे वो नीचे यहाँ पे टाइप करके सबमिट करोगे, आगे जाओगे। आगे जाने के बाद में साइनअप पेज पे आ जाओगे, वहाँ पे आपने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, जेंडर ये सब सिलेक्ट करके आगे जाना है। आगे जाने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे टिकट वाले पेज पे चले जाओगे। यहाँ पे आप लोगों ने टिकट बुक करनी होगी, तो एक अडल्ट्स की यहाँ पे आप लोगों को दिखेगी 80 रुपये की टिकट है। अगर आप किसी बच्चे की करना चाहते हो, 5 से 12 साल का कोई बच्चा है उसकी, तो वो 40 रुपये में पड़ेगी। 5 साल तक के बच्चों की फ्री होती है। बाकी और भी कई सारी यहाँ पे टिकट्स हैं जिनमें कुछ वहाँ पे इंक्लूडेड होता है, जैसे वाहन वगैरह होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं टिकट में, तो वो लेना चाहो वो ले सकते हो। जो नॉर्मल वाली है वो 80 रुपये की है, तो वहाँ पर कोई भी अपना सिलेक्ट कर लेना। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को वहाँ पर उसकी जो डेट है, जो भी डेट की आप लेना चाहते हो टिकट, वो वहाँ पे सिलेक्ट करना सबसे पहले। और एक टाइम स्लॉट होगा, टाइम स्लॉट ज़रूर से सिलेक्ट करना, क्योंकि टाइम स्लॉट नहीं सिलेक्ट करोगे तब तक आपकी जो टिकट है वो बुक नहीं होगी। तो टाइम स्लॉट सिलेक्ट करके वहाँ पे टिकट्स की क्वांटिटी वहाँ पे डाल सकते हो, एक लेनी है, दो लेनी है, चार लेनी है, छः लेनी है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे नीचे जाओगे आपको टोटल अमाउंट दिखाई दे जाएगा। ये मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रेडिट कार्ड सिलेक्ट होता है। अब क्रेडिट कार्ड हर किसी के पास में नहीं होता है, और होता भी है तो जेब में डाल के नहीं घूमता है, और वहाँ पर पता भी नहीं होता है जब हम चिड़ियाघर देखने जाते हैं तो हमें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की वहाँ पे अरेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहाँ पे 100 रुपये की टिकट कटती है, क्यों देने हैं जब 20 रुपये बच जाएँ, यानी कि 80 रुपये की बुक हो जाए। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो वहाँ पे क्या है, पेमेंट का ऑप्शन है, वहीं पे क्रेडिट कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट सेट होगा, उस पर क्लिक करो, आप लोगों को यहाँ पे UPI का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो UPI पे सिलेक्ट करके आप किसी भी ऐप से इसकी पेमेंट कर दोगे, जो भी आपका अमाउंट होगा जिससे भी आपको पेमेंट करनी है वो आप वहाँ पे सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद में जो पेमेंट है वो आप यहाँ पे डन कर दोगे, तो आपके अकाउंट में या फिर आपके ईमेल आईडी पे जो पीछे दी होगी आपने, वो इंस्टेंट या फिर मैसेज में भी आ जाते हैं, इंस्टेंट आपके एक QR कोड आ जाता है, उसमें टिकट्स भी आ जाएंगे यानी कि कितनी क्वांटिटी है, और एक QR कोड आ जाएगा। उस QR कोड को लेके आप वहाँ पे जा सकते हो टिकट काउंटर पे, यानी फिर अंदर जाने की जो रास्ता होती है वहाँ पे एक बंदा वहाँ पे आपका QR कोड चेक करेगा, उसको एक QR कोड दिखाओगे आप, उसके बदले में वो आपको अंदर जाने देगा। तो इस तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हो इजीली अपने फ़ोन से, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपके पास में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हो, अगर नहीं भी है तब भी आप वहाँ पे पेमेंट मेथड को चेंज करके UPI सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके से ईजिली आप बुक कर पाओगे टिकट्स, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।